सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ द गिवन बॉडी पार्ट्स. तो यहाँ पे हमें कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हैं और इनके अंदर जो लेटर्स हैं वो मिसिंग हैं. तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इनकी जो स्टार्टिंग लेटर है उससे हमें पहचानना है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है बच्चों, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इनको फिलअप करना है. सो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया है H और लास्ट में दिया है D. तो इससे क्या बनेगा, H E A D हेड, K और E दिया है यानी कि नी, K N E E नी यानी कि घुटना, C और S दिया है. तो C से कौन सा बॉडी पार्ट बनता है, चेस्ट, C H E S T चेस्ट, L G L E G लेग, S H O U L D E R शोल्डर, N O S E नोज. तो इसी प्रकार से आप मिसिंग लेटर्स करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको लर्न करवा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ ईच डू यू हैव. यहाँ पे हमें कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, इनको रीड करना है और हमारे पास कितने हैं ये वाले बॉडी पार्ट्स उनको हमें नंबर्स में लिखना है. सो सबसे पहले हम देखेंगे ई ए आर एस, ईयर्स, ईयर्स यानी कि कान. तो ईयर्स कितने हैं हमारे पास, टू. F I N G E R S fingers, how many fingers we have, 10. N E C K neck, neck कितनी है, 1. T O E S toes, toes कितने हमारे पास, 10. L E G S legs, how many legs, 2. N O S E nose, nose का मतलब होता है नाक. तो हमारे पास कितनी nose होती है बच्चों, 1. सो यहाँ पे हमने हमारे बॉडी पार्ट्स थे उनके नंबर्स को लिखा है कि हमारे पास कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं. जैसे ईयर्स हमारे पास 2 होते हैं, फिंगर्स 10 होती हैं, नेक 1 होती है, टोज 10 होते हैं, लेग्स 2 होते हैं, नोज 1 होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट टिक द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके 2 ऑप्शंस हमें मिले हैं. तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को रीड करना है बच्चों, एंड देन अकॉर्डिंग टू हमें आंसर पे राइट का निशान लगाना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई टेस्ट विथ माई, मैं टेस्ट किससे करता हूँ, आई से या फिर टंग से यानी कि जीभ से. तो टंग से करते हैं तो हम इस पे राइट का निशान लगा देंगे और इसको कर देंगे हम क्रॉस. I hear with my nose और ears, हम किससे hear करते हैं, किससे सुनते हैं बच्चों, ears से. तो इसको हमें write करना है and nose को हम लोग cross कर देंगे. So next question है, I can feel the softness of a thing with my, मैं softness किसी भी चीज की softness को किससे feel कर सकता हूँ, skin से या फिर नोज से. नोज से तो हम लोग स्मेल करते हैं तो ये तो हो गया रॉन्ग. एंड स्किन से, हम स्किन से किसी भी चीज की सॉफ्टनेस को, टॉय की सॉफ्टनेस को फील कर सकते हैं. आई कैन वॉच टीवी विद माई, आई कैन वॉच टीवी, सभी बच्चों को टीवी देखना पसंद है और वो किससे देखते हैं टीवी, ईयर से और आईज से. आईज से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, और ईयर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हियर करते हैं यानी कि सुनते हैं. तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टिक द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमें देखना है और अगेन हमें टिक का निशान लगाना है. वी नीड डैश टू लीव एंड ग्रो. लीव का मतलब होता है जिंदा रहना यानी कि जीने के लिए, एंड ग्रो का मतलब होता है जैसे बच्चा पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, तो ग्रोथ होती है उसकी बॉडी की. तो फर्स्ट है फूड और टॉयज. टॉयज बच्चों को चाहिए होते हैं लेकिन खेलने के लिए चाहिए होते हैं, और फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम लीव एंड ग्रो कर पाए. तो आंसर है इसका फूड. तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो इसके अंदर हम लिख लेंगे फूड और टॉय को हम कर देंगे क्रॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड गिव्स अस, फूड हमें क्या देता है, W E A K वीक, N E डबल S वीकनेस, या फिर E N E R G Y एनर्जी. फूड यानी कि जो भी हम खाते हैं उससे हमें वीकनेस होती है बच्चों या एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है. सो हमें एनर्जी पे राइट का निशान लगाना है और वीकनेस को क्रॉस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम.
फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमीज से या फिर डिजीजेस से? हमें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर बीमारियों से? हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस पे हमें राइट का निशान लगाना है और एनिमीज को हमें क्रॉस करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको रीड करके हमें फिलअप करना है। द फ्रूट यू लाइक द मोस्ट। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि आपको सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा पसंद है। मुझे तो मैंगो पसंद है। आपको जो भी पसंद हो इस वर्कशीट को करते हुए आपको उसी फ्रूट का यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेबल यू लाइक द मोस्ट। वो कौन सी वेजिटेबल है यानी कि वो कौन सी सब्जी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? तो मुझे तो पसंद है बच्चों लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। आपको जो भी पसंद हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हमें इन क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी रन विद अवर। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है रन यानी कि दौड़ना या फिर भागना। हम किससे दौड़ते और भागते हैं? लेग्स यानी कि पैरों की हेल्प से। तो हमें लिखना है LEGS, लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी टेस्ट हनी विद अवर। टेस्ट यानी कि किसी भी चीज को टेस्ट करना, चखना। हनी यानी कि शहद। हम किससे हनी को, शहद को चख करके बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है? टंग, TONGUE, टंग। वी गेट वूल फ्रॉम। तो बच्चों ये क्लोथ्स वाला चैप्टर में से है क्वेश्चन। सो वूल यानी कि ऊन। हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है? शीप यानी कि भेड़। तो इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है, SHEEP, शीप। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, SHEEP, शीप। डोसा इज मेड ऑफ। डोसा किससे बनता है बच्चों? राइस यानी कि चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन क्लोथ्स कीप अस। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं यानी कि जो सूती के कपड़े होते हैं वो हमें कैसा रखते हैं? कूल, ठंडा रखते हैं। और कॉटन क्लोथ्स कब पहने जाते हैं? समर्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को रीड करना है और जो ट्रू है यानी कि सही है उस पे हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उस पे हमें फॉल्स लिखना है। सो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे। रीडिंग की प्रैक्टिस आपको घर पे डेली करनी है जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, यानी आपको नए नए शब्दों का पता चले, उनके मीनिंग्स याद करें, साथ ही साथ उनके स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स डोंट नीड वॉटर। क्या एनिमल्स और प्लांट्स को पानी की जरूरत नहीं होती है? जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो ये फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे लिखना है FALSE, फॉल्स। वी यूज वॉटर फॉर कुकिंग फूड। यस ये ट्रू है। खाना बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी शुड वेस्ट वॉटर। क्या हमें पानी वेस्ट करना चाहिए? नो, गलत है ये, फॉल्स है। वी यूज वॉटर फॉर क्लीनिंग। साफ सफाई के लिए हम लोगों को पानी की जरूरत होती है। ट्रू, ये आंसर ट्रू है। सो आज बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास फर्स्ट का EVS वर्कशीट। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।